हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहम्मद शावीज, मोहम्मद यासीन और मैं हूँ आयशा यासीन। ओके, सो बहुत साल के बाद, बहुत महीनों के बाद हम वापस आए हैं। इट्स अ कमबैक फॉर अस। एंड या हमारे साथ जो थे मोहम्मद इनायत, वो मिसिंग है डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ की वजह से, बट इंशाल्लाह वो आएंगे बहुत जल्द, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सो वी आर बैक अगेन एंड लेट्स सी के इस कोशिश करेंगे कि इस बार हम लोग कोई भी ब्रेक ना लें और हम लोग कंटिन्यूस रहें। ये हम लोगों ने बहुत बहुत सख्ती से इस बार निर्णय लिया है हम लोगों ने और इंशाल्लाह करेंगे। सो कमबैक का पहला रिएक्शन है राइट नाउ अ वेरी ट्रेंडिंग ड्रामा इन पाकिस्तान, जो कि मैंने सुना है इस बारे में। मेरी छोटी बहन ने मुझे पूरा कल ब्रीफ दिया बिठा के कि क्या चल रहा है, क्या व्हाट्स हैपनिंग, एंड बिकॉज मैं डेफिनेटली थोड़ा नहीं था टच में। सो इट्स इश्क मुर्शिद का ओएसटी, जिसमें द लीडिंग एक्टर्स हैं बिलाल अब्बास एंड फीमेल लीडर दुर्रे फिशा। एंड या इसे इस ओएसटी के सिंगर है अहमद जहान जेब। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स, एंड आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर। उसकी डिटेल्स हम लोगों ने दिए हैं। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, ओनली एक्सपेक्टेशन इज, जैसा आप लोग इनके चैनल को प्यार दे रहे थे, अभी भी बस उसी तरह से प्यार दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। आई थिंक हमारे सारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत लोगों ने मुझे डीएम किया था कि कम बैक, वो बहुत खुश होंगे, और जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, 3 2 1 गो। बार बार बोल रहा था भाई, सिंगर की वॉइस तो नेक्स्ट लेवल है। Acting, bro. Very confusing love story. Yeah.
वेरी यू नो क्यूट टाइप ऑफ नोक जोक हैपनिंग करेक्ट और बहुत क्यूट दिख भी रहे हैं दोनों एंड डेफिनेटली दोनों भी बहुत खूबसूरत लोग हैं इस ड्रामा में ओके व्हाट्स योर रुको भाई सबर करो ओके व्हाट्स योर टेक गाइस गाइस हाउ डू यू फील द सॉन्ग इज भाई मैंने तो देखा नहीं है ये सीरीज लेकिन इस गाने से पता चलता है कि बहुत सारा ड्रामा लव स्टोरी तो भाई नेक्स्ट लेवल है इसमें यू नो लाइक मैंने जितने पाकिस्तानी ड्रामास के प्रीवियस टाइम में यू नो रिएक्ट किया था उस टाइम वो उस जमाना थोड़ा अलग था वहाँ पर स्टोरी बहुत सारी रिवीलिंग होती थी करेक्ट ओएसटी में हो या टीजर्स में वो स्टोरी बहुत रिवील कर देते हैं एंड राइट नाउ आई थिंक बहुत स्मार्ट एडिट राइट देयर आर टू मेनी फेसेस ऑफ द गाय लाइक एक एक क्लिप में भाई या करेक्ट वन साइड इज वेरी सिंपल एंड द अदर साइड इज लाइक यू नो अ जेंटलमैन एंड द अदर साइड इज वेरी हंबल बट या आई नो स्टार्टिंग में तो दिख रहा था कि फर्स्ट साइड लव कुछ है correct, correct. बट उसके बाद स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड क्या है डेफिनेटली वो तो ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा हमें बट लेट अस नो व्हाट इज दिस अबाउट बट या दिस इज रियली अ स्मार्ट मूव बाय द एडिटर्स कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया है दिस इज अबाउट द ड्रामा एक्टर्स आर टू गुड एक्टर्स आर लाइक यू नो बहुत खूबसूरत लोग हैं नेक्स्ट लेवल एक्टिंग इज नेक्स्ट लेवल बिलाल अब्बास को मैंने आई थिंक कुर्बान में देखा था बहुत साल पहले जब मैं स्टार्टिंग रिएक्ट कर रहा था एंड दुर्रे फिजान का तो मैंने कोई ड्रामा अभी तक देखा नहीं है बट इज वेरी गुड बट अहमद साहब जो कि सिंगर हैं इसके ही हैज वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग यू नो ब्यूटीफुल वॉइस एंड आई थिंक दिस इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग जब आप लोग सुन कभी यू नो कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं सुनने के बाद हम लोग उसे गुनगुनाना रहते हैं गुनगुनाते रहते हैं कहीं भी जा रहे हो कहीं भी ये कर रहे हो अकेले हो तो गुनगुनाते रहते हैं सो दिस इज दैट टाइप ऑफ सॉन्ग की से यू नो रिपीट करते रहे गुनगुनाते रहे सिंगिंग लाइक लिसनिंग बार बार गुनगुनाते रहना कुछ सॉन्ग ऐसे भी होते हैं कि रिएक्ट करने के बाद यू नो यू जस्ट फॉरगेट लाइक ओ हम लोगों ने रिएक्ट किया था बट दिस इज समथिंग जो कि याद रहेगा ओवरऑल सीरीज का तो पता नहीं सीरीज हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है बट टू बी फ्रैंक सॉन्ग इज लाइक इट्स एक्सेलेंट वीडियोग्राफी मेलोडीज लिरिक्स And the music which they have given, no, whoever it is, the musician is. Yeah. But it is to the next level, like, very nice, very good music. Yeah. What's your take? I like, after watching this song, I'm a great, great fan of Durre Fishan. I cannot stop seeing myself. like, stop looking at her. She's so cute at the same time. Bilal Abbas is also, like, so handsome and, like, he's so humble in this series. I'm just waiting to watch their episodes and see like what's next. And there's so much suspense about their love story. I would want to know more. Like, देखना चाहती हूँ कि क्या exactly हो क्या रहा है क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है love story के बारे में. तो मैं ये series जरूर देखूँगी. Inshallah. And yeah, let's see. Right now, this is a very nice song. I loved it. And yeah, definitely these guys guys, loved it. अभी आप लोग हमें सजेस्ट कीजिए कि हम लोग ये सीरीज देखें और इस पे भी हम लोग जो है अपना रिव्यू दें या नहीं दें आप हम लोगों को अभी बट वॉट आई फील इज कि गाने के ऑलमोस्ट 100 मिलियन के नजदीक हैं करेक्ट एंड जो मैंने राइट यू नो लाइक व्हेन माय सिस्टर वाज सेइंग मी कि जो क्या चल रहा है यस्टरडे इवेंट कि मैं बोल रहा था कि उनको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान सो द फर्स्ट नेम केम वाज इश्क मुर्शिद सो डेफिनेटली अगर इतना ट्रेंड में है तो डेफिनेटली तो ड्रामा तो अच्छा होगा ही बट द गुड पार्ट इज कि पाकिस्तानी ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहे इंडियन पीपल इट्स बूमिंग इन इंडिया एवरी फैमिली नाउ इन इंडिया इज वॉचिंग ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम फैमिलीज आई थिंक इन इंडिया घर में हर कोई ना कोई ड्रामा देखता है और आई थिंक बॉलीवुड मूवीज और यू नो इंडियन डायरी सोप से ज्यादा आजकल पाकिस्तानी ड्रामास और पाकिस्तानी मूवीज भी बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं एंड आई थिंक लोगों ने अभी तक वो जो टीवी का सब्सक्रिप्शन आता ना वो लेना भी छोड़ दिया होगा बिकॉज यूट्यूब में उनको ड्रामास में सो या वेरी नाइस सॉन्ग लव डेड एंड या विल बी कमिंग बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सजेस्ट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट हम लोग किसके ऊपर रिएक्ट करें And for this song, thumbs up. But yeah, show some love. हमने motivate कीजिए. Show this old love for us, and we'll be coming back. Please do subscribe the channel and ring the notification bell, and also follow us on Instagram and Facebook. इसके details हम लोगों ने दिए हैं. This is Mohammad Chavez. Mohammad Yasin. Aisha Yasin. Signing off.